बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने तैयार करना है करेले की सब्ज़ी। करेला मसाला मैंने बनाना है और खड़वास भी मैंने ख़त्म करना है। किस तरीके से मैंने ख़त्म करना है वो आपने देखना है ध्यान से। सिंपल सा तरीका है, जब भी आपने करेला बनाना हो तो यकीन कीजिए आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, टाइम भी आपका बचेगा कम टाइम में, और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त किस्म की करेला आज हमने तैयार करना है। साथ रहे, स्टार्ट कर लेते हैं। चल स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करता है। यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो करेला। हल्का पुल्का आपने छिलकी को उतार देना है, बहुत ज़्यादा आपने छिलका नहीं उतारना, क्योंकि इसका जब ज़्यादा छिलका उतारोगे तो ये नीचे कागज़ ही रह जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब करेलों का इसी तरह मैंने छिलका उतार दी और सिर्फ 2 लिए, ठीक है, नमक भी नहीं लगाया, धूप में भी नहीं रखा, सिर्फ छिलका उतार के धुलाई करके और सुखाया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये करना है करेला, किस तरीके से आपको कटिंग पसंद है आपने अपने हिसाब से कटिंग करना है। मुझे जो पसंद है वो आज मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैंने, जैसे आपने चिप्स बनाना है पिंगल, तो उसी तरह मैंने इसका कटिंग करना है। माशाल्लाह अंदर से जो बीज वगैरह है वो उतार देना है और फिर आपने इसी तरीके से आपने काट देना है। तो मेरे कहने पे ज़रूर आपने ये वाले रेसिपी ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो माशाल्लाह इसी तरह मैंने कटिंग की और दूसरी साइड पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है। डायरेक्ट आपने फ्राई करना है, ठीक है, कोई धूप में नहीं रखना, कोई ऊपर से जो है नमक रख के वज़न रख के कोई आपने वो तरीके नहीं करना, वो वैसे ही फजूल है, उससे खड़वास नहीं ख़त्म होगा। खड़वास अभी आपने ध्यान रखना कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर होने तक आपने इसको फ्राई, कलर चेंज होने तक आपने फ्राई करना है, ठीक है। अभी ये कलर आपको नज़र आ रहा है, इस कलर में आपने करेले को एक छाने के मदद से निकाल देना है तेल से। माशाल्लाह सब करेला जो है जितना मैंने काटा है केलो, सब आपने इसी तरीके से आपने फ्राई करके और उतार देना है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये यहाँ पर देख ले कितना प्यारा कलर आ गया। और यहाँ पे जो मेरा पास प्याज है, 1 पाव प्याज है और 1 पाव जो है टमाटर है, मतलब है 200-200 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी और जिस तेल में मैंने करेले को फ्राई किए वही तेल इसमें यूज़ होगी, ठीक है, अभी ये ज़ाया नहीं होगी। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालेंगे और टमाटर डालेंगे, इसको कच्चे डालना है, प्याज को लाल करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने खड़वा ख़त्म करना है, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सब अजमिर्च डाल लिए और इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.5 टीस्पून आपने नमक डालना है करेले के हिसाब से। तो 1.5 चम्मच मैंने डाल लिए टीस्पून जो है, और 1 टीस्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और ज़ीरा डाला है। ज़्यादा इसमें मसालों डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्दी डाल लिए 1 टीस्पून के बराबर। और यहाँ पे जो है हल्का सा आपने मसाला जो है मिक्स करना है हर तरफ से, ताकि प्याज टमाटर के मसाले लग जाए। और इसके बाद आपने ये करना है, करेला जो आपने फ्राई किया है ना वो इसमें डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डाल दिया करेला, और कवर करना है फिर आपने, मिक्स नहीं करना, इसी टाइम आपने इसको कवर करना है और 10 मिनट के लिए आपने हल्की आँच पर रखना है। माशाल्लाह 10 मिनट हो गए और ऑलरेडी जो प्याज टमाटर है वो नरम हो चुका है। अभी इसी टाइम आपने खूब भुनाई करना है, तकरीबन 7-8 मिनट तक जो है भून लेना है। माशाल्लाह 7 से 8 मिनट तेज़ आंच पे मैंने भुनाई की। माशाल्लाह करेला जो है हमारा तैयार हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक डिश में डाल लेते हैं। माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त कलर आ गया, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इसी के साथ उस्मानी सब्ज़े को दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। जब ऊपर से आप यह सब्ज़ मिर्च डालोगे इसके साथ मज़ा जो है दुबला हो जाता है और कलर इतना खूबसूरत बन गया, देखें।